योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूँ एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे खरपतवार उग जाते हैं जो किसान भाइयों के लिए सर दर्द बन जाते हैं, परंतु उनमें बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ऐसे में एक वनस्पति है जिसको हम बड़ी मकोई या रसवरी के नाम से जानते हैं। तो इसका पौधा स्वतः ही उगने वाला होता है और ये खाली पड़ी जगहों पे या रोड के किनारे आपको देखने को मिल जाता है। इसका पौधा करीब 3 से 4 फीट ऊंचा हो जाता है। इसके फल के ऊपर एक पतला सा आवरण होता है और ये कच्ची होने पर हरी दिखती है और पक जाने पर पिंक या सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। तो इस रसवरी को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में इसको चरपोंटी और पश्चिमी बंगाल में पटपोटनी, राजस्थान में सिरपोटी आदि नामों से जाना जाता है। इसके फल बहुत ही रसीले होते हैं और बहुत ही टेस्टी, इसी कारण इसको रसवरी के नामों से जाना जाता है। तो इस रसवरी में बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, परंतु इसका एक ऐसा औषधीय गुण है जो बहुत कम लोग जानते हैं। आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें, वो फ़ायदा मैं वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। तो इस घुसवेरी कम पंचांग फूल पत्ती तना और मूल उदर रोग या पीलिया के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। इसके पत्तियों का काढ़ा बनाकर अगर आप पीते हैं तो आपकी पीलिया या पाचन तंत्र ठीक हो जाता है। अगर आपको भूख कम लगती है और आपको पित्त जैसी समस्या है तो आप इनका पंचांग का काढ़ा पीते हैं तो आपका लीवर ठीक हो जाता है और आपको भूख भी ठीक से लगने लगती है। इसकी पत्तियों में ब्रेचन का गुण होता है, अगर आप इनकी पत्तियों का साग बनाकर खाते हैं तो आपको ब्रेचन होता है जिससे पित्त बाहर निकल जाता है। अगर आपके शरीर पर कहीं भी सूजन है तो आप इनकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो आपके शरीर के अंदर की सूजन ये दूर करता है, और ऊपर की सूजन के लिए आप इनकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर वहाँ लेप करते हैं तो ऊपर की सूजन भी चली जाती है। इस रसवरी की पत्तियों में कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, विटामिन ए, विटामिन सी आदि तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कैरोटीन नामक तत्व भी पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। बवासीर में आप इनकी पत्तियों का काढ़ा पीते हैं तो आपके बवासीर में काफ़ी लाभ होता है। अगर आपके जोड़ों में दर्द बना रहता है तो आप इनकी पत्तियों को तोड़ लें और थोड़ा सा गर्म करके आप इसके पत्तियों का काढ़ा भी बना के पीते हैं और इनकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर जोड़ों पे लेप करते हैं तो आपके संधिवात या जोड़ों के दर्द में बहुत ही आराम हो जाता है। अगर आपको खांसी, हिचकी या श्वास संबंधी समस्याएं होती हैं तब आप इनके फलों को तोड़ लें और सुखाकर इसका चूर्ण बना लें, और 2 से 3 ग्राम की मात्रा में आप इसका चूर्ण सुबह शाम सेवन करते हैं तो आपके हिचकी, श्वास या खांसी में काफ़ी लाभ होता है। पेट संबंधी बीमारियों में आप इस रसवरी का अर्क भी बाज़ार से मिल जाता है जो आप प्रयोग में ला सकते हैं। जिन लोगों के सफ़ेद दाग की समस्या होती है वो इनके पत्तों को तोड़कर लेप लगाते हैं तो सफ़ेद दाग में भी बहुत चमत्कारीय फ़ायदा होता है। डायबिटीज़ पेशेंट को अगर आप इस रसवेरी के फलों का सेवन करवाते हैं तो उनकी शुगर नॉर्मल हो जाती है। ये रसवरी का उपयोग हम खून की कमी, एनीमिया जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके लीवर में सूजन है या फैटी है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये हमारे लीवर, पाचन तंत्र, श्वसन रोग, बवासीर आदि रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होती है। नारी की सुंदरता उनके नारित्व अंगों से होती है। अगर उनके स्तन छोटे हैं और सुंदर नहीं दिखते तो वो लोग इस रसवरी के फलों को तोड़ लें और सिलबट्टे पर पीसकर उसका पेस्ट बनाकर और छाती पर लगाते हैं तो उनके ब्रेस्ट कठोर और बड़े हो जाते हैं। तो इस रसवरी के हमें पक्के फल खाने चाहिए। इसके कच्चे फल खाने से हमें पेट में दर्द या उल्टी की समस्या हो सकती है, तो आप ध्यान दें, इस रसवरी के हमें पक्के फल खाने चाहिए। तो इस रसवरी की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।